मेरा नाम इतना आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल इतनुशील को। दोस्तों आज का जो फेसबुक का अपडेट होगा ये हालांकि एक बैड न्यूज आपको लग सकता है मगर असल में ये अपडेट आप लोगों को फायदा ही दिलाएगा एज ए क्रिएटर। तो इसी बात पे वीडियो पे अभी से लाइक हो जाना चाहिए और वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना है। हालांकि आप लोग इस अपडेट को सुनने के बाद शायद आप सोच सकते हो कि कोविड के वजह से शायद मैं पागल तो नहीं हो गया, मगर अभी तक दिमाग जो है वो काम कर रहा है। जो भी अपडेट बताऊंगा उसको एंड तक सुनिएगा तो ही आपको पता चलेगा। दोस्तों अप्रैल मंथ तक फेसबुक ऐप्स का जो डाउनलोड है और सारे ऐप लिस्ट को अगर आप लोग मर्ज करके सोचोगे तो फेसबुक का ऐप का डाउनलोड 30% डाउन हो गया है। हाँ दोस्तों, लोग अभी दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और इसी वजह से दूसरे ऐप जो है फेसबुक के कंपैरिजन में 30% अप है और फेसबुक 30% डाउन आ गया है एज कंपेयर टू अदर टाइम। तो ये एक हालांकि आप लोगों को पहले सुनने में बैड न्यूज लगेगा और आप लोग अभी सोचने भी लगे होंगे कि ये क्या अपडेट दे दिया तूने, क्या कोविड होते ही तू पागल तो नहीं हो गया। तभी भी कह रहा हूँ पागल नहीं हुआ हूँ, दिमाग अभी भी काम कर रहा है तभी ये अपडेट आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों का एज ए क्रिएटर बेनिफिट कहाँ पे है? फिर फेसबुक ऐप का अगर डाउनलोड कम हो रहा है तो यूज़र बेस जो है वो बढ़ने के जगह घट रहे हैं, तो इस पे क्रिएटर का फ़ायदा कहाँ पे है और कैसे है यही आप लोगों को आज समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को भली भांति मालूम है फेसबुक का जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक फेसबुक का गिरा है वो ट्रैफिक गया किधर? टिकटॉक नंबर वन ऐप अभी जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं, जिसका डाउनलोड ऐप स्टोर पे सबसे ज़्यादा है वो है टिकटॉक, जो कि इंडिया में बैन है और बहुत सारे अदर कंट्रियों में भी बैन है। यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक वहाँ पे जा रहा है टिकटॉक पे। इवन जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म और भी बने हैं रिसेंटली शॉर्ट, जब टिकटॉक बंद हो गया उन पे भी जा रहे हैं। तभी तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम पे रील्स फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। तो फेसबुक अगर रील्स फीचर को इंट्रोड्यूस किया है तो क्यों किया है? जो टिकटॉक बेस्ड यूज़र इंडिया में थे उसको कैप्चर करने के लिए, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब फेसबुक को भी भली बात ही मालूम है उन लोगों का जो ऐप डाउनलोड है वो 30% गिर रहा है, किस वजह से? दूसरे शॉर्ट प्लेटफॉर्म के वजह से। अब फेसबुक क्या करेगा वो अपडेट हालांकि मैं बता चुका हूं। हां आपने सही पकड़ा, रील्स फीचर का फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा फेसबुक प्रमोट करेगा। प्रमोट यानी कि फेसबुक रील्स वीडियो जो भी अपने पेज पे बना के आज के डेट पे डालोगे उन लोगों के वीडियोस पे आंख पकड़ेगा, आंख के जैसा वो फैलेगा। हाँ दोस्तों, विश्वास नहीं होता, इम्प्लीमेंट करो, खुद रिजल्ट को फील करो, फिर आके कमेंट करो। अगर आपके पेज पे अभी फेसबुक ने रील्स ऑप्शन को उपलब्ध करा दिया है तो आप लोग रील्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रील्स पे फेसबुक अभी फोकस करने वाला है। क्यों? क्योंकि फेसबुक को पता है 30% ऐप डाउनलोड कम हो गया है, तो फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को रिटेन करने के लिए, अपने ऑडियंस को रिटेन करने के लिए, न्यू ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए रील्स को अब रफ्तार से वायरल करेगा, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट देगा, बहुत ज़्यादा रीच देगा। अभी सही टाइम है हर एक फेसबुक क्रिएटर के लिए रील्स को लेके सीरियस होने का। अगर अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग आइडल रहोगे तो आपके हाथ पे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे मुझे पूरा पूरा मार्केट ग्रोथ दिख रहा है एज ए क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू रील्स को यूज करके। अगर आपको लगता है आपका जो फेसबुक कंटेंट है वो रील्स के लिए नहीं फिट बैठता है तो उस केस पे कुछ ही दिनों में जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उस वीडियो को फिर से रिव्यू करके देखो, आपको पता चल जाएगा दूसरे कौन सा तरीके से आप लोग फेसबुक पे अभी ग्रो कर सकते हो लॉकडाउन पीरियड पे।
होप गाइस आज के इस अपडेट से भी आप लोगों को काफी हद तक नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों।